मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है। जी हां, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कमलनाथ सरकार ने दिया है तोहफा। उन्हें 1 जनवरी से 19 से 12% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 11 लाख से ज़्यादा नियमित कर्मचारी पेंशनर्स को 1 जनवरी से सरकार 12% डीए देगी। इसके लिए डीए में 3% का इजाफा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार पर 1,647 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार आएगा और मई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने के फैसले का अनुमोदन कर दिया गया है। उज्जैन में तारामंडल का विस्तार होगा, इस पर 17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और माउंट एवरेस्ट पहुँचने वाली पर्वतारोही मेघा परमार और भावना डहरिया को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।